हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कीर्ति सुरेश के बारे में। क्या आप जानते हैं कीर्ति सुरेश एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। तो ये जो कीर्ति सुरेश हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो कीर्ति सुरेश का जन्म 17 अक्टूबर 1992 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता सुरेश कुमार एक मलयालम फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं और उनकी माँ मेनका एक पूर्व अभिनेत्री हैं। उनकी बड़ी बहन भी है जिनका नाम रेती सुरेश है। प्रारंभ में कक्षा 4 तक उन्होंने चेन्नई तमिलनाडु से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर उन्होंने केंद्रीय विद्यालय पताम तिरुवनंतपुरम केरल में दाखिला लिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पर्ल अकादमी चेन्नई तमिलनाडु से फैशन डिज़ाइनर में अपनी डिग्री पूरी की। साल 2016 में एक अफवाह यह भी आई कि उन्होंने कॉमेडियन सतीश से चुपचाप शादी कर ली, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसी खबर को नकार दिया था। कीर्ति सुरेश ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में मलयालम फिल्म पायलट से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में भी दी। कीर्ति सुरेश ने साल 2013 में मलयालम फिल्म गीतांजलि में गीता और अंजलि की भूमिका निभाई थी। अभिनेत्री के रूप में अपना करियर इन्होंने इसी फिल्म से जो है शुरू किया था। अभिनव उद्योग में प्रवेश करने से पहले वह एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। फैशन डिज़ाइनिंग में अपना डिप्लोमा करने के दौरान वह 4 महीने के छात्र विनिमय कार्यक्रम में स्कॉटलैंड गई। फिर उन्होंने लंदन में 2 महीने की इंटर्नशिप पूरी की। तो दोस्तों, आपको कीर्ति सुरेश के जीवन की स्टोरी कैसी लगी और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगती हैं। अगर आपको ये एक्ट्रेस पसंद है तो कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी प्रकार आपके लिए हम नई नई वीडियो लाएंगे और नई नई हीरोइंस के बारे में हम आपको इनके जीवन के बारे में बताएँगे। ओके, बाय।